खुशी फॉरेस्ट ऑफिसर बन के आई है, तनुवी ट्री बन के आई है, और विधि एक पौधा बन के आई है, और मैं पूरा एक जंगल बन के आई हूँ। एक तो ऐसी नींद नींद में आया था ना तनुवी की, तो चलो आदत हो गई, हम दोनों की तो वही नींद की आदत आ गई। रक्षिता व्हाट आर यू मेकिंग? चलता है यहाँ से, यही अच्छा है हमारे लिए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, उठने का बिल्कुल भी नहीं हुआ था, अभी भी नींद के उसमें उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। मतलब मेरा अलार्म थैंक गॉड बज गया, 7 बजे का अलार्म लगाई थी तो फटाफट उठी, 7:15 पे जाके मैं उठी, 7 बजे भी नहीं उठी, 7:15 पे जाके उठी। तो अभी फटाफट बॉडी लोशन और नी लोशन सब लगाती हूँ, रेडी वेडी होते हैं, क्योंकि 7:30 तो ऑलरेडी हो चुका है। खुशी फॉरेस्ट ऑफिसर बन के आई है, तनुवी ट्री बन के आई है, और विधि एक पौधा बन के आई है, और मैं पूरा एक जंगल बन के आई हूँ, पूरी जंगल। हम लोग को इतनी नींद आ रही थी, इतनी ज्यादा, मेरी तो आंखें ऐसे से सो रही थी बैठे बैठे। खुशी तो अलग ही नींद के नशे में थी, जैसे तैसे पहुंचे। और आज इतने दिनों बाद कॉलेज की कॉफी पीने जा रही, क्योंकि मैंने वहां जाके सिर्फ चाय पिया, कॉफी तो बिल्कुल भी नहीं पिया, तो आज होगा कॉफी कॉफी डे। अभी हम लोग आ गए पार्किंग लॉट, क्योंकि यहाँ पे होने वाला है प्लांटेशन, एनवायरमेंट डे है, हम पेड़ बन के आए हैं, सब पेड़, जंगल में तो जंगल ही लग रही। तो अब यहाँ पे प्लांटेशन होगा, ये देखो यहाँ पे रखा भी है, तो अभी प्लांटेशन होगा, उसी के लिए यहाँ पे असेंबल, हाँ भाई उसी के लिए यहाँ पे असेंबल हुए सबके सब। बोर हो रहे, एक तो ऐसी नींद में आया था ना तनुवी की, तो चलो आदत हो गई, हम दोनों की तो वही नींद की आदत आ रही थी, बट कोई ना, ऐसा सो के आ रहा भाई बस में। एक तो इधर से इतना धूप आ रहा था ना, इतना इरिटेशन होता है, ये प्रिंसिपल है। अच्छे है वैसे, अच्छे है। तो अभी बैठे हैं, देखते हैं कब स्टार्ट होगा, उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट होंगे तो देखते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती रहूंगी क्या क्या होगा, बहुत कुछ होगा। फायरलेस कुकिंग है, ऑन द स्पॉट पोस्टर मेकिंग है, चांस पे डांस, ग्रीन थीम ड्रेसिंग सब है, तो देखते हैं चलता रहेगा। आज पूरा दिन यही होना है, पूरा एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेटी होगा। यहाँ पे पूरा वो हो रहा है, और मैं तो हूँ छोटी हाइट, ये बहुत लंबा है, तो मैंने इसको कैमरा दे रही हूँ कि बना दे ऊपर से, लो बनाओ। और किसी का लेना? ये देख लो हमारा वोग, बहुत प्यारा है भाई। खुशी को उसकी टीचर से इतनी बुला रही है, अरे कम खुशी कम, अरे गो खुशी, व्हाई आर यू कमिंग बैक, अरे गो गो, एक पौधा तू भी डाल दे। खुशी को चला रही थी, अभी हमने कोई बुला लिया, फैट स्टूडेंट्स को जाते हैं अभी हम। उनका बहुत ही ज्यादा सीरियस डिस्कशन चल रहा है, गेस करिए आप क्या चल रहा होगा, क्या वो लोग बात कर रहे होंगे दोनों के दोनों। इन दोनों का रील चल रहा है, रील डांस प्रैक्टिस। ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से बनाना। इतनी अच्छी हवा आ रही है ना, यही हवा मैं चाह रही थी, क्योंकि मतलब धूप है, ज्यादा गर्मी नहीं है, बट हवा ही नहीं चल रही थी, अभी मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है, विनी और हम लोग हवा इंजॉय कर रहे हैं, वो दोनों रील्स बना रहे हैं। यहाँ पे पूरी हरियाली घूम रही है, यहाँ से वहां तक उतना क्लियर दिख नहीं रहा, बट सब ग्रीनरी है। वहाँ पे कचरा कलेक्ट करा जा रहे हैं, कचरा तो नहीं, बट थिंक वो कुछ सामान चीजें ले रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनको इंस्टॉल करना है, उसे कुछ चीज बनाना है, वो सारी चीजें लाएंगे और फिर कुछ बनाएंगे, कुछ क्रिएटिव, देखते हैं क्या बनाते हैं। हम बस खड़े होकर देख रहे हैं, आज खड़े होकर देखने ही आए। रक्षिता व्हाट आर यू मेकिंग? ऑल द बेस्ट। Say now. Hi. Please go.
पक रहा है आज, मेरे को बताना चाहोगे आज आप क्या दिखेगा? दिखेगा बहुत जल्द दिखेगा। बता दो, कुछ हिंट दे दो। दही का। अच्छा, तभी आप दही फ्रिज में रखना आए थे ना। हाँ, ऑल द बेस्ट, जीत जाना। इन लोगों को खाना बनाना है विदाउट फायर। फायर क्या है, चैलेंज का नाम क्या है? कुकिंग विदाउट फायर। कुकिंग विदाउट फायर, नाइस। ऑल द बेस्ट, बनाना अच्छे से। फिर से बोल। ब्लॉग को सब्सक्राइब करना। करेंगे अब तो। लाइक करना। तो अभी फायरलेस कुकिंग चैलेंज होगा, मतलब चैलेंज होगा तो वो लोग कर रहे हैं सब लोग प्रिपरेशन। उसके बाद ऐसा है कि अगर उन लोगों को सेल करना है वो जो उन्हें बनाया, वो लोग वो चीज भी कर सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर वो रख सकते हैं। मैं टेस्ट करने तो जरूर आऊंगी, बट देखते हैं क्या होता है। वहां पे चैलेंज चल रहा है और यहाँ पे हमारा खाना चल रहा है। हम भी तो देखे, हमारी क्लास क्या कमाल दिखा रही है। ओ माय गॉड, शियान क्या क्या हो रहा है। ये ग्लव्स एंड ऑल पहन लिए गए हैं, बहुत कलरफुल दिख रहा है। थोड़ा अनार खाने को मिलेगा? अनार ज्यादा ही है। यस, वाओ, मेरे को थोड़ा कुछ समझ आ रहा है। आ रहा है। आता है। तुम जाता है ना, जा। अच्छा, अपना नाम बताइए आप। क्या है? मेरा नाम अंजनी है। दैट इज व्हाट नाउ। मेरा नाम अंजनी। अंजनी हंसिनी है। ओके, पढ़ता है। ओके, अच्छे से करता है, चलता है यहाँ से। यही अच्छा है हमारे लिए। हम लोग इतने नालायक है, हम लोग किसी में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। हम सिर्फ देखना है, हम सिर्फ एंजॉय करना है। यहाँ पर नहीं बैठी हो आप, यहाँ पे आम चूस रही हो बैठे बैठे। हाँ, वो बेचारे वहाँ काम कर रहे हो, तुम यहाँ बैठ के आम चूस रही हो। बेनिफिट्स, वहाँ वो आम वहाँ कटा है और यहाँ तुम उसकी गुठलियाँ चूस रही हो। मास्टर शेफ वो गोइंग ऑन वेरी स्ट्रेस फ्री। वेरी, आप टाइम देख के काम करना ना श्रियान, टाइम कम है। ओके लहरे का। हाँ, वाओ, हाउ इज द टेस्ट श्रियान? ओह माय गॉड, नूडल्स, बढ़िया बढ़िया। श्यान तो पहले से ही कुक थी, पहले से ही। इधर देखना रिमिता, फिर खा रही है ना तू, जब से खाई रही उनको बनाने तो देर ली। वो तो ठीक, तू तो कंटिन्यूअसली, तू तो कंटिन्यूअसली खाई जा रही है, जिसके सामने खा रही है। जजेस बोल रहे क्या कर रही है। ये खाए जा रही है, जब से ये खाए जा रही है, जब से खा रही है। आर ऑलमोस्ट रेडी, राइट? बीच है। यस यस, गोशियान। फिर खाई तू कर। हाँ, फिर खाई बेटा, अच्छा कैप्चर हुआ इस बार तो। फिर खाई यहाँ बेचारी, इतने हाँ इतने मेहनत से वो बना रही है और ये खा रही है। सॉरी, खाई बेटा, फिर खाई रही है, बनाने तो दे। फलो, फिर खाते हुए। तू ना, वाओ प्यारा लग रहा है। मेरे को ये मिलेगा किस किस वाला? बहुत एक हो गया, एक रखो। थैंक यू, किस किस, जल्दी लो किस किस। श्यान, ओ वाओ, कौन सा मिलेगा मेरे को? ये क्या है, चटनी? ओ सॉस, वाओ, मोमोज इज रेडी विथ सॉस। सॉस ही बोलूंगी ना कि चटनी, इधर चटनी है, इधर अच्छा सॉस ही, चलो।
चिप क्लियर द टेबल्स क्लियर द टेबल्स वाओ ड्राई फ्रूट आई वांट प्रत्युषा वन शक्कर डाल ले एक काम कर उसमें खाना फिर अच्छे से हम लोग ने ये यहाँ से खरीद लिया है मस्त खाएंगे अभी मेरे को इसको हाँ भेल पूरी भाई लव है लव रुको ना खुशी वहाँ खा रही है थैंक यू सब चख रहे हैं आज मैं ये लूं तीन ग्लास हाँ भाई तीन ग्लास हाँ कचरा हुआ है कैंटीन का वाओ अभी हम लोग ने मैंगो शेक का ऑर्डर किया है तीन ग्लास जैसे बनता है भैया बना रहे जैसे बनता है फिर पीते हैं ये मैंने वही वाला इयर रिंग पहना जो खुशी ने मेरे को गिफ्ट दिया है तो मैं तो आने के बाद बहुत ही ज्यादा गंदा सो गई थी वही आंखों से लग रहा होगा तो अभी खुशी और मैं दोनों बैठ के तनुवी की मम्मी ने हम लोग को आम दिए थे उन लोगों का मतलब उसके पापा के यहाँ के साइड का है मतलब पूरा पेड़ का फ्रेश आम है कोई भी वो नहीं है तो मस्त अभी वही आम खा रहे हैं दोनों बैठ के ये खाट रही है हमारी बिल्ली हम लोगों का खाने का इतना दिक्कत हो रहा है दिमाग ऐसे सनक रहा है एक तो बाहर का खाना का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा क्यों मतलब कंटिन्यूसली तीन दिन तक तो बिल्कुल खा ही नहीं सकते बाहर का और लग रही है भूख किचन में कुछ भी नहीं चल रहा बस सिलेंडर का भी अभी होना बहुत मुश्किल है उसको लगेंगे अभी दिन आज ही बात करके आए थे तो अभी हम लोग वही सोच रहे हैं क्या खाएं कहाँ से मंगाएं मंगाने का भी मन नहीं कर रहा तो अभी आम खाते थोड़ा कुछ तो गले में जाएगा तो ठीक लगेगा अभी देखते हैं कैसे क्या करना है डिनर का अभी मैं अपने कॉलेज का काम स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत मतलब अगर मैं अभी नहीं स्टार्ट करी ना तो मैं करूंगी ही नहीं काम क्योंकि ऐसा रहता है ना कि मतलब घर चले जाते हैं और घर से फिर आते हैं तो फिर ऐसा रहता है कि वो पेस में आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है ऐसा लगता है यार घर वाला सुकून बट अब काम स्टार्ट करना ही पड़ेगा तो वही है मैंने वैसे अभी सोके ही उठी हूँ 8:30 बजे तो सोके उठी हूँ अभी कहाँ ही नींद आने वाली है तो आज काम करते हैं ट्राई करते हैं ज्यादा से ज्यादा फिनिश हो अब से जाना है रेगुलर कॉलेज नो गैप नथिंग तो अभी तो कॉलेज रेगुलरली जाना होगा तो फटाफट काम स्टार्ट करते हैं काम करेंगे मेरे को एंड वाला अभी हेडेक बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि एंड में आके हेड में इतना प्रेशर रहता है ना काम का वो अभी नहीं चाहिए तो फटाफट कंप्लीट करते हैं बिरयानी मंगा लिया है अभी वही खाते हैं इसके अंदर क्या है चिकन कबाब वही यहाँ का कबाब ऐसा होता है और रहता तो अभी खाते हैं मस्त काम तो मैं तो सिर्फ ये बॉक्स बना के बैठ चुकी हूँ दिखाती हूँ आप लोगों को हाँ बस ये बॉक्स बना के बैठ गई वही कर रहा है मैंने अभी तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मैं पीछे नहीं रहती अभी देखती हूँ कि इसके आगे कितने बॉक्सेस बनते लाइंस बनते कि कुछ बनता भी है कि नहीं बनता अरे वो एक चीज बताऊंगी मेरे साथ एक मिस्टेक भी नहीं बट वो मेरे दिमाग में बात नहीं आई कि वो मैं आपको बताती हूँ खाना खा लूँ उसके बाद तो आज तो मैं ज्यादा काम नहीं कर पाई क्योंकि ये हो चुका था कि जो जिस चीज का मैं लिखने का सोच रही थी उसका शीट ना थोड़ा थिन होता है तो वो फोटोकॉपी वाला जो इतनी शीट होता है वो होता है बट मेरे पास वो वाला शीट नहीं था मेरे पास ज्यादा GSM वाला शीट था जिसका सब मतलब थोड़ा ज्यादा वेट होता है और जो थोड़ा थिक होता है तो फिर लिख के कोई फायदा होता नहीं वेस्ट ही होता तो फिर मैं बस कॉलम बना के बैठ गई मैं फिर मतलब मन भी नहीं कर रहा एक तो भूख भी ऐसी लग रही थी और लेट भी बहुत हो गया था तो खाना खा के बस बैठ गए और अभी जाते हैं सोने क्योंकि कल जाना है कॉलेज क्योंकि अब तो कॉलेज रोज जाना है तो काम भी चालू रहेगा कॉलेज भी चालू रहेगा तो सब साथ साथ में चलता रहेगा
तो आज का व्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ गाइज, आई होप यू ऑल लाइक इट, सो प्लीज डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय बाय, टेक केयर, बुम 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 बुम।